हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। पिछले अंक में आपने महाराष्ट्र का आनंद लिया, महाराष्ट्र के साथ भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला का एक महत्वपूर्ण अंग अपनी प्राकाष्ठा को पहुंच जाता है।
असल में महारास का अर्थ है जीवात्माओं का परमात्मा से मिलन, और ऐसा मिलन जहां आत्मा और परमात्मा का भेद मिट जाता है और आत्मा को लगता है कि वो स्वयं ही परमात्मा है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जब आत्मा का अपना अस्तित्व परमात्मा के श्री चरणों में ही विलीन हो जाता है तो बच जाता है केवल परमात्मा। परंतु कई भक्त इस प्रकार अपना अस्तित्व मिटाकर मुक्ति नहीं चाहते। तुलसीदास जी ने कहा है, सगुणोपासक मोक्ष न ले ही, क्योंकि प्रेम के रिश्ते में जो एक रस है, जो जीवन का आनंद और विरह की पीड़ा है, शिकवा शिकायत की चुभन या रूठने मनाने की अदा है, मुक्ति पाने के बाद उन बातों का मजा कहां। इसलिए उन आत्माओं का भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेमी और प्रेमिकाओं का रिश्ता ही सदा के लिए स्थिर हो जाता है। और जिस प्रकार हर प्रेमिका चाहती है कि उसका प्रेमी केवल उसी का हो, उसका प्यार भी केवल उसी का हो, वो बटा हुआ प्रेमी नहीं चाहती, उसी प्रकार महारास में सब गोपियों को अपना अपना कृष्ण अलग अलग मिलता है। यही गूढ़ रहस्य है महारास का कि प्रत्येक आत्मा का अपना अपना परमात्मा है जिसके साथ वो निरंतर रास में लीन है। जैसे पानी से भरे हुए 100 घड़े रख दो तो हर घड़े के अंदर जब सूर्य का प्रतिबिंब अलग अलग दिखाई देता है तो हर घड़ा समझता है कि ये मेरा ही सूर्य है, मेरे ही अंदर है और किसी का नहीं। यही है प्रेमा भक्ति का प्रसाद, यही है महारास जो इस सृष्टि में निरंतर होती रहती है। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, तारों में नर्तन फूलों में उल्लास है, मुरली की प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है, लीला योग में भोग एवं भोग में योग की व्याख्या का मूर्त रूप है। रास शब्द का मूल है रस, और रस स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, रसो वैसा। भगवती श्री प्रिया राधा प्रकृति अथवा कुंडलिनी शक्ति है, श्री कृष्ण परमात्मा अथवा पुरुष हैं, वृंदावन सहस्रदल कमल है, गोप सुंदरियां अंतःकरण की वृत्तियां हैं, श्री कृष्ण की मुरली की श्रुति मधुर संकृति प्रणव का वो नाद है जिसे योगी सुनते हैं। अतः जब प्रेम लीलाओं का वर्णन होगा तो अंततः उसका प्रदर्शन तो मानवीय स्तर पर ही होगा। जब सूरदास कहते हैं, साम श्यामा कुंज बनावत, भुज भुज कंठ परस्पर दीने, ये छवि उन्हीं पावत। श्री कृष्ण का राधा और श्री राधा जी का कृष्ण बनने की लीला तो चित्रकलाओं में प्रसिद्ध ही है। उसी प्रकार उनका दिव्य प्रेम भी राधा और कृष्ण की भौतिक प्रेम लीला के बिना नहीं समझाया जा सकता। कुछ रिसर्च स्कॉलर्स का कहना है कि राधा कृष्ण की उपासना पहले अलग अलग होती थी। दोनों की युगलोपासना निम्बार्क संप्रदाय की ही देन है। हमारे युग के महान दार्शनिक डॉक्टर राधा कृष्णन ने भी लिखा है कि इन निम्बार्क कृष्ण एंड राधा टेक प्लेस ऑफ नारायणा एंड हिज कॉन्सॉर्ट। आगे चल के डॉक्टर राधा कृष्णन एक बड़े महत्व की बात कहते हैं कि भक्ति इज नॉट मेडिटेशन और उपासना, बट भक्ति इज लव एंड डिवोशन। यहां डॉक्टर राधा कृष्णन ने भक्ति की व्याख्या करते हुए
मेडिटेशन और डिवोशन में जो अंतर रखा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे यह सिद्ध होता है कि उपासना को भक्ति नहीं कहते, वरन भक्ति प्रेम का ही प्रतीक है और श्री राधा जी तो स्वयं प्रेम का ही पूर्ण स्वरूप है। अब आगे चल के श्री कृष्ण की राजनैतिक लीलाओं और महान यादव जाति के वीरों का आदताई कण से लोहा लेने का समय आ रहा है। आने वाली घटनाओं की छाया अब कंस को भयभीत करने लगी है। कंस, हमने आपके इस भयानक स्वप्न का विवरण भी सुन लिया और मथुरा के महापंडित सत्यक जी की धारणा भी कि यह स्वप्न किसी बहुत बड़े विनाश का सूचक है, बहुत बड़े विनाश का। इन दोनों ही बातों से ना तो हम भयभीत हुए और ना ही हम चिंतित हुए, परंतु हमें चिंता हो रही है केवल आपकी इस दशा को देखकर। वो परमवीर कंस जो आज तक तीनों लोकों में अपनी विजय दुंदुभि को बजाता आया है,
जिसकी एक गर्जना से देवताओं तक के हृदय कांप उठते हैं, वही शेर की तरह दहाड़ने वाला कंस आज हमें पहली बार स्वयं डरा हुआ दिखाई दे रहा है मित्र, स्वयं डरा हुआ। इससे पहले भी हमने कई बार आपको चिंतित देखा है, परंतु इस प्रकार भयभीत कभी नहीं देखा मित्र, कभी नहीं। इसी बात ने हमें चिंता में डाल दिया है मित्र, इसी बात ने, क्योंकि युद्ध नीति कहती है कि शत्रु को जीतने का सबसे पहला गुर यह होता है कि उसे भयभीत कर दो, उसके हृदय में डर पैदा कर दो मित्र, डर। इससे उसकी शक्ति आधी रह जाती है। डरा हुआ योद्धा रण में जाने से पहले ही बाजी हार चुका होता है, किंतु ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में ना कोई डर हो ना कोई भय हो और वो चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा भी हो, तो भी वो अपनी वीरता, हिम्मत और साहस के जोर पर लड़ाई को जीत सकता है। इसलिए सबसे पहला काम तो आप ये करिए मित्र कि अपने हृदय से इस भय को, इस डर को निकाल दीजिए मित्र, निकाल दीजिए। इस डर को कैसे निकाल दूं मित्र, कैसे निकाल दूं? क्योंकि मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि तुम्हारा ये त्रिलोक विजयी कंस आज तक हर कदम पर उस बच्चे के सामने हारता चला रहा है, उसके सामने हमें अपनी हर चाल में मात खानी पड़ रही है। उसने हमारे परम शक्तिशाली योद्धाओं का एक एक करके संहार किया, वो चाहता तो अब तक हमारा भी संहार अवश्य कर सकता था, पर ऐसा नहीं किया उसने। हमने पहले भी कहा था ऐसा लगता है कि वो हमारी हंसी उड़ा रहा है, हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। हाँ, या फिर हमारा एक एक अंग काट काट कर हमें तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। हाँ, ये ऐसा ही खेल है जैसे एक शेर किसी हिरन को मारने से पहले उसे थोड़ा थोड़ा भागने दे, फिर उसकी एक टांग काट खाए और उसे थोड़ा और भागने दे, फिर उसकी दूसरी टांग काट खाए, फिर भागने दे, फिर उसकी गर्दन जख्मी कर दे, फिर उसकी कमर तोड़ दे, यहां तक कि वो हिरन थक हार कर स्वयं ही उसके सामने धरती पर लेट जाए, जैसे कि लो भैया अब खा लो मुझे, खा लो। यदि ये बालक भी हमारे साथ ऐसी ही खिलवाड़ कर रहा है तो फिर इस प्रकार तिल तिल करके मरने से तो अच्छा है कि मैं एक बालक के हाथों मारे जाने की निंदा से बचने के लिए स्वयं ही आत्महत्या कर लूं। आत्महत्या कायरों का काम है मित्र, कंस जैसे वीरों का नहीं। परंतु जिस वीरता को विजय प्राप्त न हो वो वीरता किस काम की? हो सकता है कि वीर को विजय प्राप्त ना हो, परंतु वीर कभी पराजित भी नहीं होता मित्र, कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि पराजित होने से पहले ही वीर युद्ध में मर जाता है और उसके मरने को मृत्यु नहीं, वीर गति कहते हैं मित्र, वीर गति। महाराज बाणासुर, शब्दों के हेर फेर से हार जीत में नहीं बदल जाती। आपने सत्य कहा महाराज, शब्दों के तर्क जाल में उलझने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समस्या का समाधान होता है कर्म करने से, उपाय करने से। परंतु वो उपाय कौन बताएगा? जो ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो। महाराज, वीरता एक मुंह जोर घोड़े की तरह होती है, जिसे ठीक रास्ते पर भगाने के लिए एक अच्छे सवार की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार अकेली वीरता कभी नहीं जीत सकती, जीतने के लिए उसे बुद्धि के मार्ग दर्शन की आवश्यकता होती है। वो ज्ञानी, वो बुद्धिमान कहां है? यहीं आपकी सेवा में,
महापंडित सत्यक जैसे विद्वान इस राज्य में उपस्थित हैं। ये बुद्धिमान पुरोहित स्वयं दैत्यों के गुरु महान शुक्राचार्य जी के प्रिय शिष्य हैं। इनके ज्ञान इनकी विद्या का उपयोग करना चाहिए हमें। इसीलिए आज मैंने इन्हें यहां इस सभा में बुलाया है। हां महाराज, इन्हें यदि सपनों के शुभ अशुभ फल की जानकारी है तो ये भी जानते होंगे कि किसी विपत्ति की सूचना यदि किसी स्वप्न के माध्यम से मिली है तो उसके निवारण का उपाय क्या हो सकता है। हे महापंडित सत्यक जी, क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है, कोई ऐसी विद्या है जिसके द्वारा उस आने वाली विपत्ति का निवारण हो सके जिसका संकेत मेरे दुस्वप्न में मिलता है? अवश्य राजन, अवश्य। परम गुरु शुक्राचार्य के शिष्य के रहते आपको किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। दैत्यों के हित की रक्षा करना मेरे गुरु का आदेश है और आप दैत्य शिरोमणि हैं, इसलिए आपके हित की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर हम बहुत प्रसन्न हुए। कहिए, क्या उपाय है आपके पास? इस परिस्थिति में गुरुदेव ने केवल एक ही उपाय बताया है। क्या? राजन, आप महेश्वर का यज्ञ करो जो समस्त अरिष्टों का नाश करने वाला है। इस महेश्वर याग का नाम है धनुयज्ञ। भगवान भूतनाथ के दिए हुए धनुष की पूजा द्वारा यह यज्ञ संपन्न होता है जो दुस्वप्नों का विनाश तथा शत्रु भय का निवारण करता है। इस यज्ञ के आध्यात्मिक, आधिदैविक और उत्कट आदि भौतिक इन तीन प्रकार के उत्पातों का खंडन होता है। यदि यह यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए तो समस्त संपदाओं के दाता शंकर भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देकर ऐसा वर देते हैं जिससे जरा और मृत्यु दोनों का निवारण हो जाता है। शंकर का दिया हुआ धनुष, पर वो है कहां? आपको शायद ज्ञात नहीं, अथवा महाराज उग्रसेन ने नहीं बताया होगा कि वो धनुष कई पीढ़ियों से मथुरा के राजकुल के पास है। वो आपको गुप्त कोष में मिलेगा। पूर्व काल में वो महान पार्श्वपत धनुष नंदीश्वर को स्वयं पशुपतिनाथ से प्राप्त हुआ था। फिर उन्होंने एक समय पुष्कर तीर्थ में वो धनुष परशुराम जी को प्रदान किया था। कृपा निधान परशुराम जी ने उसे इस राजकुल के पूर्वजों को दिया था। त्रिपुरारी ने उसी धनुष के द्वारा त्रिपुरासुर का वध किया था। राजन, ऐसे दो ही धनुष थे, एक त्रेता में राम के द्वारा तोड़ा गया और एक मथुरा के राजकुल के पास है। यदि उस धनुष की पूजा निर्विघ्न कर सके तो आपका कभी अनिष्ट नहीं होगा। इस यदि शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं आप? क्या उसकी पूजा निर्विघ्न होने में आपको कोई शंका है? नहीं महाराज, क्योंकि यह धनुष इतना कठोर है कि महाबली शेषनाग, सूर्य और कार्तिकेय भी नहीं झुका सकते। फिर भी क्या? गुरुदेव ने कहा था कि यदि यज्ञ के बीच में यह धनुष टूट जाएगा तो यजमान का नाश हो जाएगा। परंतु उन्होंने यह भी कहा था कि नारायण के सिवा इस धनुष को कोई नहीं तोड़ सकेगा, इसलिए मुझे यज्ञ की सफलता में कोई शंका नहीं। महाराज, मेरा परामर्श है कि आप इस महान यज्ञ का अनुष्ठान दृढ़तापूर्वक कीजिए। आपकी विजय होगी महाराज, विजय होगी।
और मैं तो कहता हूं मित्र कि उसी स्थान पर अपने उस शत्रु कृष्ण को भी बुलाइए। एक ही स्थान और एक ही समय पर दोनों कार्य सिद्ध हो जाएंगे, आपकी वर सिद्धि और शत्रु की मृत्यु। परंतु उसे किस बहाने से बुलाएंगे? यज्ञ के बहाने। आप जो एक महान यज्ञ करने जा रहे हैं उसे एक महान उत्सव का रंग दे दीजिए। अपने आसपास के राजाओं को भी न्योता भेजिए। मथुरा की जनता इस धार्मिक कार्य को देखकर प्रसन्न हो जाएगी और अपने राज्य के वीर योद्धाओं को भी वहां पर बुलाइए ताकि वो अपनी अपनी वीरता का प्रदर्शन कर सकें और इसी बहाने कृष्ण को भी वहां पर बुलाइए कि गोकुल में कालिया नाग को हराकर और गोवर्धन पर्वत उठाकर जो उसने बड़ी बड़ी वीरता के प्रदर्शन किए हैं उसी के लिए उसे इस राज्योत्सव में सारी प्रजा के सामने सम्मानित किया जाएगा। क्या चाल है, क्या चाल है! बस एक बार वो हमारे इस जाल में स्वयं आ जाए तो उत्सव के द्वार पर खड़ा हुआ आपका हाथी कवलिया पीड़ उसे कुचल देगा, अथवा हम उसे अखाड़े में मल्ल युद्ध के लिए चुनौती देंगे और मल्ल युद्ध में हमारे पहलवान उसके शरीर के खंड खंड कर देंगे। ये हुई चाल। एक बार वो स्वयं हमारे सामने आ जाए तो हमारी खड़ग का एक ही बार उसका शीश धड़ से अलग कर देगा। परंतु क्या? परंतु हमारे न्योते पर वो आएगा नहीं। न्योता उसकी ओर से जाए जिसकी बात वो टाल न सके। अर्थात वसुदेव और देवकी की ओर से न्योता भेजिए। देवकी नहीं, नहीं, देवकी मर जाएगी परंतु ऐसा कभी नहीं करेगी। उसने तो अभी तक यह भी स्वीकार नहीं किया कि वो उसका पुत्र है। उसका सर उड़ा दीजिए। नहीं, जनता भड़क जाएगी। ये चाल खतरनाक है, सब खेल बिगड़ जाएगा। मेरे विचार में तो केवल एक पुरुष है जो ये कार्य सिद्ध कर सकता है। कौन? अक्रूर। अक्रूर? हाँ महाराज, वो यादव कुल का एक शक्तिशाली सरदार है और वो उन सब में समझदार है और सब उसकी बात मानते हैं। यदि उसे भेद नीति के द्वारा कोई बड़ा प्रलोभन देकर तोड़ा जा सके तो ये कार्य बड़ी सहजता से हो सकता है। जरूर यह संभव है। हाँ, वो सच्चा राजभक्त है। तुम्हें याद नहीं, उसी ने भरे दरबार में हमारे सामने तलवार खड़ी कर दी थी और वो महाराज शूरसेन को ही अपना स्वामी मानता है और अपने स्वामी से वो कभी भी द्रोह नहीं करेगा, चाहे उसे कितना ही प्रलोभन दिया जाए। महाराज, लोभ तो हर प्राणी में होता है, अंतर केवल मात्रा का है। उसे ऐसा प्रलोभन दिया जाए जिसे वो इनकार ही ना कर सके। उसे हमारे अधीन राज्यों में से किसी एक देश का राज्य दे दीजिए। वो राजभक्त है परंतु अंधविश्वासी भी नहीं। वो पूरा राजनीतिक है और एक सच्चे राजनीतिक की भांति वो महत्वाकांक्षी भी है। उसकी महत्वाकांक्षा पूरी कर दीजिए, वो आपका साथ देगा। फिर यह कार्य बड़ी सहजता से हो सकेगा क्योंकि सब उसकी बात मानते हैं और मेरे गुप्तचरों की सूचना के अनुसार कुछ दिन पहले ही वो गोकुल गया था कृष्ण से मिलने। वही उसे बहला फुसला कर यहां ला सकता है। और यदि वो ना माना तो? यदि भेद नीति से काम ना चले
तो दंड नीति का प्रयोग किया जाएगा। चानूड़, तुम्हारी बात में वजन है। अक्रूर को बुलाया जाए। अक्रूर से मिलने की क्या आवश्यकता पड़ी? मैं अधिक तो नहीं जानता, परंतु इन दिनों उनकी मनस्थिति को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे इस बारे में परामर्श करना चाहते हैं कि यादव संघ के अलग अलग वंशों में जो मनमुटाव है उसे कैसे मिटाया जाए, जिससे मथुरा का राज्य समृद्ध और सुदृढ़ हो सके। ये तो बड़ी अच्छी बात है यदि वो सचमुच ऐसा सोचने लगे हैं। हम सचमुच यही चाहते हैं अक्रूर जी। मेरा जी है। अक्रूर जी, हम मथुरा को सारे भरत खंड की राजधानी बनाने का सपना देख रहे हैं, और यह तभी पूरा होगा जब हम सब एकजुट होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। इस सपने को साकार करने के लिए मैं आप जैसे राजभक्तों का साथ चाहता हूं। अक्रूर जी, आप वीर यादव जाति के एक परमवीर सरदार हैं, उसका हमें आदर करना चाहिए। इसलिए हमने निश्चय किया है कि आपको मथुरा राज्य के अंतर्गत एक प्रदेश का राजा घोषित किया जाए। और ये घोषणा अगले महीने मथुरा में होने वाले महान उत्सव में हम स्वयं करेंगे। उत्सव? हाँ, हमने विद्वान आचार्य जी के कहने पर एक महान माहेश्वर यज्ञ करने का निश्चय किया है, जिसमें उस दिव्य धनुष की पूजा होगी जो स्वयं परशुराम ने हमारे पूर्वजों को प्रदान किया था। उस उत्सव में देश विदेश के राजाओं को निमंत्रित किया जाएगा, और उन सब के सामने हम आपको उस प्रदेश का राजा घोषित करेंगे। हमारा तो ये भी विचार है कि उसी शुभ अवसर पर सारी प्रजा के सामने आपका राज तिलक किया जाए, जिससे दूसरे यादव सरदारों का उत्साह भी बढ़े, और जो लोग किसी भी कारणवश हमसे और मथुरा से दूर चले गए हैं वो वापस लौट आए, और हम सबकी सामूहिक शक्ति एक होकर राज्य की उन्नति और वृद्धि के काम आए। वाह वाह महाराज वाह, आज आपके मुखारविंद से देश हित की ऐसी योजनाएं सुनकर मेरा हृदय तो उत्साह से भर गया है। महाराज, यदि इस महान लक्ष्य की ओर हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, तो निश्चय ही मथुरा का साम्राज्य भरतखंड का सबसे महान और सबसे शक्तिशाली राज्य बन सकता है। अवश्य अवश्य बन सकता है। हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि आप हमारी योजना से पूरी तरह सहमत हैं। पूरी तरह से सहमत हूं महाराज, पूरी तरह से। मुझे पूरा विश्वास है जब दूसरे यादव सरदारों को मैं आपके इन विचारों से अवगत कराऊंगा तो वो भी तत्काल इससे सहमत होकर एक झंडे तले एकत्रित हो जाएंगे। हाँ। परंतु महाराज, आपको इन योजनाओं में थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा। कहिए। ये जो आपने मुझे एक प्रदेश का राजा घोषित करने की बात कही है, ये उचित नहीं है महाराज। क्यों? मैं इस सम्मान के योग्य नहीं हूं। ये आपकी विनम्रता है अक्रूर जी, अन्यथा आप जैसे राजभक्त के लिए बड़े से बड़ा सम्मान भी कम है। महाराज, आप मुझे राजभक्त कहते हैं तो राजभक्त की व्याख्या भी जानते होंगे कि एक सच्चा राजभक्त उसी को कहते हैं जो अपने जीवन में केवल एक देश और केवल एक राजा का वफादार रहे।
और जहां तक मेरा संबंध है, मेरे जीवन में मेरे राजा तो एक ही हैं, महाराज शूरसेन, और जीवन भर वही मेरे स्वामी रहेंगे। एक सच्चे सेवक की तरह मेरा यही धर्म है। इसी को तो सच्चा राजभक्त कहते हैं। परंतु आप ये भी जानते हैं कि महाराज शूरसेन राज्य से विरक्त हो चुके हैं। उन्होंने अपने महल को एक मंदिर बना रखा है और स्वयं एक सन्यासी की भांति रहते हैं, जिन्हें अपने पूजा पाठ से ही समय नहीं मिलता। वो साम्राज्य की उन्नति का कठिन काम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए तो किसी आप जैसे कर्मठ और वीर योद्धा की आवश्यकता है। यदि महाराज शूरसेन भक्ति मार्ग में खो गए हैं तो उनकी जगह उनके पुत्र कुमार वसुदेव, वो हमारे स्वामी हैं। वो वीर भी हैं और कर्मठ भी। वो धर्म कर्तव्य और राजनीति को पूरी तरह से समझते हैं। जिस मेल मिलाप की आप बात कर रहे हैं, उस मेल मिलाप की नीति का उन्होंने सदा से समर्थन किया है। आप उन्हीं की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाइए, इसी में सबका कल्याण है। अवश्य अवश्य हम उनकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। हमें स्वयं उनसे कोई शत्रुता नहीं, बल्कि हम उनके चरित्र की दृढ़ता का आदर भी करते हैं। परंतु परंतु क्या? परंतु उनके हमारे बीच एक कांटा है, जहरीला कांटा, जो हर घड़ी हर समय हमें चुभता रहता है। यदि कोई उस कांटे को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे तो हम उनसे केवल मित्रता ही नहीं, बल्कि उन्हें मथुरा का युवराज भी घोषित कर सकते हैं। अक्रूर जी, यदि आपको अपने स्वामी का हित सचमुच प्यारा है तो ये काम आप भी कर सकते हैं। हाँ, बस बस उस कांटे को निकाल दीजिए, उसी क्षण आपके स्वामी के सारे दुख दूर हो जाएंगे। उन्हें कारागार से निकालकर युवराज के सिंहासन पर बिठाया जाएगा। अक्रूर जी, यदि आप उनको सचमुच अपना राजा मानते हैं तो राजभक्ति दिखाने का यह सुनहरा अवसर हम आपको प्रदान करते हैं। इस सुनहरे अवसर का बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपने एक बात नहीं बताई कि वो जहरीला कांटा कौन है जिसे उखाड़ने का शुभ कार्य आप मुझे सौंप रहे हैं। देवकी और वसुदेव का आठवां पुत्र कृष्ण। कृष्ण? कौन कृष्ण? देवी देवकी और वसुदेव की आठवीं संतान तो एक कन्या थी। नहीं नहीं, वो उनकी आठवीं संतान नहीं थी, वो बाहर से लाई गई थी। वास्तव में उनकी आठवीं संतान एक बालक था जिसे वसुदेव रातों रात नंदगोप के घर छोड़ आया था। ये वही कृष्ण है। ये बात सच है? इस बात का आपके पास क्या प्रमाण है? देवर्षि नारद का वचन। नारद स्वयं ये रहस्य मुझे बताकर गया है। हाँ, और नारद जैसा देवता कभी झूठ नहीं बोल सकता। हाँ। महाराज कंस, आपने देवी देवताओं को सच मानना कब से शुरू कर दिया? जिस बात को आपने स्वयं नहीं देखा, आपके पहरेदारों ने नहीं देखा, आपके किसी विश्वास पात्र ने नहीं देखा, जिस बात का आपके पास स्वयं कोई ठोस प्रमाण नहीं है, ऐसी सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके आप महाराज नंद के भोले भाले और निर्दोष बालक की हत्या का पाप मुझसे करवाना चाहते हैं? नहीं अक्रूर जी, नहीं नहीं, हम आपके द्वारा किसी की भी हत्या करवाना नहीं चाहते। आपने तो हमारी पूरी योजना सुनी ही नहीं। हम केवल इतना चाहते हैं कि आप गोकुल जाकर कृष्ण को मथुरा में होने वाले उत्सव के लिए हमारी ओर से न्योता दें और आप स्वयं उसे साथ लेकर आए।
मगर क्यों? क्योंकि उस उत्सव में हम अपने राज्य के प्रमुख प्रमुख वीरों का सम्मान करना चाहते हैं। और हमने सुना है इस बालक ने कालिया जैसे जहरीले नाग को अपनी वीरता से परास्त करके जमुना से भगा दिया था। ऐसे वीर बालक का सारी प्रजा के सामने हम सम्मान करना चाहते हैं अक्रूर जी। नहीं महाराज कंस, नहीं, आप सम्मान करना नहीं चाहते, बल्कि इस बहाने उसे यहां बुलाकर उसकी हत्या करवाना चाहते हैं आप। नहीं अक्रूर जी, इसे हत्या नहीं कहते, बल्कि राजनीति की भाषा में इसे शत्रु दमन कहते हैं। आप तो स्वयं राजनीतिज्ञ हैं, आप जानते हैं कि राजनीति में शत्रु का वध करना ही धर्म है। इतिहास में शत्रु का वध करने वाला वीर कहलाता है। जो वीर होता है वो अपने बराबर के शत्रु को युद्ध भूमि में सामने आकर ललकारता है, क्या उसे मारता है या स्वयं मर जाता है, वही वीर कहलाता है। परंतु एक छोटे से निरीह निर्दोष बालक को आप जैसा महान योद्धा इस प्रकार धोखे से बुलाकर उसकी हत्या करना चाहता है, इसे ना तो वीरता कहते हैं और ना कोई नीति इसका समर्थन कर सकती है। अखरू जी, आपकी ये दलील हमारे किसी काम की नहीं। हाँ, वो बच्चा है या बड़ा, हमारा शत्रु है। आकाशवाणी के अनुसार वो हमारे प्राणों का संहारक है। इसलिए नीति से या अनीति से किसी भी प्रकार उसे मारना है। ये महापाप है, ये धर्म है। जो आपके प्राणों का शत्रु हो उसे मारना ही धर्म है। इसे आप धर्म कहते हैं? हाँ, अपने प्राणों की रक्षा करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। और इस धर्म का पालन करने के लिए हम आपकी सहायता मांग रहे हैं। क्षमा करें महाराज, वीरता की जो व्याख्या आपने की है उससे मैं सहमत नहीं हो सकता हूँ। इसे ना मैं धर्म मानता हूँ और ना ही वीरता, और ऐसे जघन्य पाप में मैं आपका साथ नहीं दे सकता हूँ। आप मथुरा के महाराज की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं, इसका परिणाम जानते हो? परिणाम का भय? महाराज कंस, जिस दिन किसी यदुवंशी के हाथ में उसका गुरु उसे तलवार देता है तो सिर्फ एक ही शर्त रखता है कि परिणाम के भय से जिस दिन वो अपने कर्तव्य का पालन करने से डर जाएगा तो ये तलवार नदी में फेंक देगा, क्योंकि ऐसे कायर मनुष्य को तलवार धारण करने का कोई अधिकार नहीं होता। और मैं ये तलवार फेंकना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी वीरता और मेरा कर्म दोनों इस समय मुझे यही कहते हैं कि यदि वो बालक नंदगोप का ही पुत्र है तो उस निर्दोष की हत्या करना या करवाना महापाप है, और ये महापाप मैं करना नहीं चाहता। यदि आपकी बात ही सच है कि कृष्ण ही कुमार वसुदेव का आठवां पुत्र है तो मेरा कर्तव्य सीधा हो जाता है, क्योंकि कुमार वसुदेव ही मेरे स्वामी हैं और स्वामी के पुत्र की रक्षा करना मेरा धर्म है। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, श्री कृष्ण चरितम् सुनानुवादम् तत्प्रेरणाहं करोमि, मम भावगीतम् हृदयस्य प्रीतम् त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।